हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें हम मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे एग्जाम के लिए उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि इसके पहले के जो लेक्चर हैं वो आप हमारे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको इसके पहले हमने क्या पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो पहले के लेक्चर देखें, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें तो लिंक करने में चीज़ों को मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा भवन। तो मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का जो नाम है वो है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, जिसके वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया को वर्ष 1998 में आर्किटेक्ट का पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार का नाम है आगा खां अवार्ड। तो ध्यान रखेंगे, चार्ल्स कोरिया को इंदिरा गांधी विधान भवन के लिए एक अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड का नाम है आगा खां अवार्ड। कब दिया गया था? वर्ष 1999 में। ठीक है, मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन की बात करें जो इंदिरा गांधी विधान भवन है, ठीक है, इसमें इसकी एक कहानी है। एक्चुअली पहले ये विधानसभा भवन यहाँ पर नहीं लगा करती थी। जब मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई, उसके पहले जो विधानसभा भवन है हमारी लगा करती थी कहाँ? मिंटो हॉल में। मिंटो हॉल आपका लाल परेड ग्राउंड के पास एक छोटा एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है, जिसकी स्थापना अंग्रेजों के समय पे हुई थी 1909 में। एक्चुअल में हुआ क्या था, 1909 में उस समय के अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो अपनी पत्नी के साथ भोपाल प्रवास पर आए हुए थे। तो वहाँ की जो शासिका थी उन्होंने देखा कि इतने बड़े अधिकारी के रहने के लिए, रेस्ट के लिए कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हम उन्हें रहने के लिए दे पाए। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने एक ऐसे भवन का निर्माण की नींव रखी, ठीक है, जो कि बाद में यहाँ पर ये कॉलेज बनता है और कॉलेज के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा वगैरह शुरू होती है तो यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा भवन शुरू होता है। बाद में जब कार्यकाल बढ़ता जाता है, काम का बर्डन बढ़ता जाता है तो एक नए भवन की आवश्यकता महसूस हुई। तो 1956 में से विधानसभा भवन जो है मध्य प्रदेश के गठन के बाद विधानसभा भवन की जब जरूरत महसूस हुई तब जाकर चार्ल्स कोरिया ने इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का आर्किटेक्ट तैयार किया था। तो यह है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन की कहानी। तो मेरा बताने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एमपी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा कहाँ लगती थी। तो आप ध्यान रखेंगे, मिंटो हॉल में लगा करती थी। मिंटो हॉल कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के हम विधानसभा सीटों की बात करें तो पहले विधानसभा सीटें इतनी नहीं थी। आज विधानसभा सीट कितनी है? 230+1। ये जो प्लस वन है ये आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षित है, आंग्ल भारतीय के लिए ये सीट रिजर्व्ड है, जिसका नॉमिनेशन मध्य प्रदेश के राज्य के गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो जब मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का अलगाव हुआ, तब जाकर उस समय उसके पहले मध्य प्रदेश में कुल 320 सीटें हुआ करती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद अब वर्तमान में कुल 230+1 सीटें हैं, ठीक है। वहीं हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। तो आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में कुल मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं। 11 राज्यसभा सीटों के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव होता है और 29 लोकसभा सीटों के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि विधानसभा सीटें जो हैं 230+1, एक की तो हमने बात कर ली, राज्य के राज्यपाल के द्वारा किसी आंग्ल भारतीय समुदाय के रिप्रेजेंटेशन के लिए उसका नॉमिनेशन किया जाएगा। लेकिन इन 230 में स्थिति कैसी है? तो इन 230 की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें कुछ आरक्षित सीटें भी हैं। आरक्षित सीटें किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इसमें हम देखते हैं अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए कुल 35 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें लोकसभा की 29 सीटों में से 4 सीटें लोकसभा के लिए आरक्षित हैं।
विधानसभा में कुल एसटी समुदाय, अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुल 47 सीटों का आरक्षण किया गया है। और अगर हम लोकसभा में एसटी समुदाय के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 6 सीटें यहां पर रिजर्व कैटेगरी में रखी गई हैं। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में पहले आम चुनाव कब हुए। तो मध्य प्रदेश के पहले हम अगर बात करें तो पूरे देश में जो पहले लोकसभा चुनाव हुए, पहले आम चुनाव, ठीक है, देश की आज़ादी 1947 में होती है, लेकिन क्या 1947 के बाद से ही हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया था? नहीं, पहली बार जो आम चुनाव होते हैं, पहले लोकल इलेक्शंस 1951-52 में हुए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मशीनरी हमारे पास नहीं थी कि हम सारी जगह पर एक साथ चुनाव करवा पाएँ। तो इस चुनाव को कंडक्ट करवाने के लिए काफ़ी समय लगा, जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 1951 से हुई और ये चुनाव खत्म होते हैं कब, 21 फरवरी 1952 में। कई चरणों में ये चुनाव संपन्न कराए गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले लोकसभा सेशन का जो पहला जो लोकसभा सेशन है वो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। और मध्य प्रदेश में पहले आम चुनावों की अगर हम बात करें तो 1957 से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर विधानसभा भवन जब इसके पहले कैसे चलता रहा होगा। तो जैसे हमने पहले ही क्लास में बात करी थी कि मध्य प्रदेश आज़ादी के समय पर 4 अलग अलग भागों में विभाजित था, पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस और बरार का क्षेत्र जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, महाकौशल इसकी राजधानी जबलपुर थी, पार्ट बी जिसमें हम मध्य भारत या मालवा यूनियन के नाम से जानते हैं इसकी राजधानी आपका ग्वालियर और इंदौर हुआ करती थी, पार्ट सी विंध्य प्रांत, विंध्य प्रांत की राजधानी रीवा हुआ करती थी और भोपाल को इनसे अलग रखा गया था। तो इस तरीके से ये 4 अभाग थे और जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो ये चारों भाग यहाँ सामने एक साथ हो जाते हैं। उनके एक साथ होने के साथ ही यहाँ के जो जितने भी सदस्य हैं वो भी इस विधानसभा के मेंबर बन जाते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश के विधानसभा की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, उसमें कमेंट करें, आप अपने विचार हमें बताएं कि आपको उसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, कमेंट करके आप सारी चीज़ें बताएं। और उसके अलावा शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।